हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडीज़ ऑन। क्लास 11 की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं और तैयारी चल रही है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम एक क्यूमुलेटिव रिवीजन यहाँ पे करने बैठे हुए हैं। तो बताइए यहाँ पे बेटा, कल जो आपको क्वेश्चन दिए थे जिसमें था डिफाइन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड डिराइव एन एक्सेलरेशन फॉर द सेंटीपेटल एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, एक्सप्लेन हाउ इट एक्ट्स अलोंग द रेडियस टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। 5 मार्क्स का। श्योरी आपको अभी तक नहीं बना, क्लियर? हाँ सर। आज इसको एक्सप्लेन करते हैं, रेडी? यस। ओके बच्चों, तो ये स्क्रीन में आपके सामने इसका सोल्यूशन दे रखा है और क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सेंट्रल स्कूल 2023 में आया हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी रिसेंटली ये 24-25 चल रहा है और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिफाइन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, एक्सप्लेन हाउ इट एक्ट अलोंग द रेडियस टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। जी हाँ बिल्कुल, मतलब यही पिछले साल का, लास्ट ईयर का ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है और यही इसका आंसर सॉल्व करके यहाँ पे दिया गया है। कल मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, याद है बेटा आपको? श्योर? हाँ हाँ सर। कल मैंने जो बातें आपको बताई थी उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से V2 - V1 की डायरेक्शन डेल्टा V होती है जो कि सेंटर की ओर लगती है। हाँ, याद है बेटा आपको? हाँ सर। तो देखिए, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, पढ़िए श्योर, व्हाट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन? अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सेलरेशन व्हिच इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही। मतलब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रही है, मतलब हर समय हमेशा उसकी स्पीड इक्वल है, समझ गए? हाँ सर। उसकी जो स्पीड रहेगी बेटा वो हर समय स्पीड कांस्टेंट रहेगी, मगर ड्यू टू डायरेक्शन बेटा उसकी वेलोसिटी बदलती जाएगी। जैसे एक सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए अगर कोई 20 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन स्पीड से चल रहा है तो बिकॉज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी अनचेंज है। अगर आप इसको V1 वेक्टर मानेंगे, इसको V2 वेक्टर मानेंगे, सो अगर इसका भी मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड ही है, बोलिए यस और नो? हाँ सर। तो मैग्नीट्यूड वाइज V1 वेक्टर इक्वल टू V2 वेक्टर, बट यू कांट से दैट V1 वेक्टर इक्वल टू V2 वेक्टर, बिकॉज वेक्टर इज अ सॉरी वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। यस और नो? हाँ सर। हाँ, तो मैग्नीट्यूड वाइज आप इनको इक्वल कह सकते हैं, बट डायरेक्शन वाइज इक्वल नहीं है, तो ऑल टोटल ये दोनों वैक्टर इक्वल नहीं है, क्लियर? हाँ सर। और जब भी दो वेक्टर्स बदलते हैं, वेलोसिटी बदलती हैं, ओके? अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम डेल्टा टी है बेटा, तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्रिएट होता है एंड दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है कि नहीं होता? हाँ सर, डीवी बाय डीटी। एंड दिस वुड बी V2 - V1 अपॉन डेल्टा टी, जो भी टाइम होगा V2 - V1, क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, यही हमको निकालना है। और कल मैंने इस सेगमेंट में आपको बताया था कि V2 - V1 जो होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है? यस सर। चलिए, तो देखिए, एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। बेटा ये कंसीडरेशन है, तो जो जो चीज़ें आपको पता है वो लिखते जाओगे आप। मान लीजिए आपके पास एक आर रेडियस का सर्कुलर पाथ है जिसका सेंटर ओ है, क्लियर बेटा? हाँ सर। और इस पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड वी, क्लियर है बेटा? यस। तो चाहे कितनी भी जगह कहीं पर भी हो वो पार्टिकल, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो, मगर बेटा इन सब का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा बेटा? V। क्या होगा मैग्नीट्यूड? V, क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को आप इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं और हर जगह यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड कॉन्स्टेंट होगी। कहिए यस कि नो? यस। सो आई कैन राइट हियर दैट स्पीड इज कॉन्स्टेंट। ओके, यहाँ पे स्पीड कॉन्स्टेंट है, क्लियर है? हाँ सर। एज सोन फिगर 3.37 ए, सपोज टाइम टी
एट टाइम टी द पार्टिकल एस पॉइंट पी। वाह भाई, इस पॉइंट पर है पार्टिकल। तो बेटा इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वेक्टर क्या यहाँ जनरेट होगा कि नहीं होगा? हाँ जी बिल्कुल सही, एट पॉइंट पी। एंड आफ्टर टाइम टी बेटा ये यहाँ से यहाँ चलेगा और यहाँ पर पहुँच जाएगा, बोलो यस और नो? तो अगर यहाँ पर ये टाइम टी पे था तो, और यहाँ से यहाँ जाने में इसने डेल्टा टी टाइम यूज़ किया, तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा? टी प्लस डेल्टा टी, प्लस डेल्टा टी। और बेटा इसका जो वेक्टर होगा वेलोसिटी वेक्टर वो यहाँ पे हो जाएगा। डन? यस। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, नहीं। सो दिस विल बी वी टू वैक्टर माई डियर। ओके यस। सो बेटा पार्टिकल एट पोजिशन क्यू वी वन एंड वी टू विद द वेलोसिटी वैक्टर एट पी एंड क्यू डायरेक्टेड अलॉन्ग द टेंजेंट, क्योंकि सभी को पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में चलती है। क्लियर बेटा? हाँ सर। अब कल मैंने आपको शिफ्टिंग बताई थी मैंने कि इसको उठा के आप शिफ्ट कर सकते हैं, तो वी टू यहीं जा रहा है, आपने वी वन को धीरे से उठा के इसके ऊपर ले गए थे और ये प्रोसेस मैंने कल आपको दिखाई थी, याद है आपको? यस। तो वी टू और वी वन एक साथ हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये मैं इरेज कर देता हूँ जो मैंने लिख रखा है। नाउ यहाँ से मैं बेटा वी वन को उठाता हूँ और वी वन को मैं धीरे से उठा के इस रास्ते में यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, बिकॉज आप जानते हैं कि वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज वी वन। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा? यस सर। अब यदि यहाँ से मैं यहाँ मिला देता हूँ, देखिए ये वी टू जो अपना है ये वी वन है, ओके, और ये वी टू है, तो आपको पता है कि हमें क्या निकालना है, वी टू माइनस वी वन। क्या निकालना है बेटा? वी टू माइनस वी वन। वी टू माइनस वी वन, तो बेटा वी टू माइनस वी वन हम करेंगे, ये वी टू है और ये वी वन है, और वी टू माइनस वी वन क्या कहलाएगा बेटा? डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या कहलाएगा? डेल्टा वी। क्लियर है बेटा? हाँ सर। यदि मैं इस डायरेक्शन में अगर मैं इधर डेल्टा वी एज्यूम कर लूँ, क्या एज्यूम कर लूँ बेटा? डेल्टा वी। डेल्टा वी, या कोई वेक्टर एक्स भी एज्यूम कर सकता हूँ। हाँ सर। समझ लीजिए यहाँ पे मैंने एक एक्स वेक्टर एज्यूम कर लिया है, ठीक है बेटा? हाँ सर। तो ट्रायंगल लॉ से ये वाला वेक्टर वी वन प्लस एक्स वेक्टर इक्वल टू वी टू वेक्टर, बोलो बेटा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो एक्स वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा वी टू माइनस वी वन, यस और नो? अब जैसे ही हमने एक्स वेक्टर वी टू माइनस वी वन ले लिया, इसका मतलब हमने क्या निकाल लिया? चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ सर। अब आप देखिए इसके डायरेक्शन कहाँ है? अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ है कि नहीं है? तो ये देखिए डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और अगर आप इसको, ये अंदर की तरफ लग रहा है, और अगर आप इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके इस पॉइंट पर लेके आएंगे यहाँ पर, तो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ कि जब आप इसको पैरेलली, ये है, इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो एक समय होगा कि ये इधर पे आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? यस। ये क्या लग रहा है? डेल्टा वी। क्या लग रहा है? डेल्टा वी। ध्यान से देखिए ये जो डायरेक्शन आ रही है अंदर की तरफ, ये सेंटर की तरफ आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो डेल्टा वी की डायरेक्शन कहाँ है? सेंटर की तरफ। एंड यू नो कि एक्सलेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो जहाँ वेलोसिटी का चेंज होगा वहीं कहाँ क्या होगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोली होगा कि नहीं होगा? यस। तो जब चेंज इन वेलोसिटी सेंटर की तरफ ओरिएंटेड है तो एक्सेलरेशन भी कहाँ लगेगा बेटा? सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ। दैट्स व्हाई दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बोलो बेटा ज्योमेट्री समझ में आई एक्सेलरेशन की? यस सर। क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है ना, कल भी बताया था आज भी बता दिया। तो ये बेटा हमारा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मेन, ये डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा वहाँ पे, है ना? क्लियर? हाँ, हुआ? यस। कि नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ, तो सबसे पहले कुछ करो ना करो, ये डायग्राम की फ़ोटो ले लो, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बना लीजिएगा। अच्छा। ठीक है ना? क्लियर है? हाँ। हमने क्या किया है, हमने दोनों वेक्टरों को एक पॉइंट ए पर शिफ्ट कर दिया है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर प्रोसेस करी कि क्या हो सकता है ना? हाँ सर। तो देखा तो ये सेंटर की तरफ ओरिएंटेड हो रहा है डेल्टा वी, मतलब ये सेंटर की ओर लग रहा है। सेंट्री। हाँ सर।
हाँ, तो इसलिए इसको बोलेंगे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ओके हाँ सर। चलिए ये हो गया। तो हम पढ़ रहे थे, सपोज एट टाइम टी द पार्टिकल एट पॉइंट पी एंड आफ्टर टाइम एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी द पार्टिकल एट पोजिशन क्यू। लेट वी वन एंड वी टू वैक्टर बी द वेलोसिटी वैक्टर एट द पॉइंट पी एंड क्यू डायरेक्टेड अलॉन्ग द टू टेंजेंट्स। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर बिल्कुल। दोनों टेंजेंट के अलॉन्ग लगेंगी क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। हाँ सर ठीक है। टू डिटरमाइन द चेंज इन वेलोसिटी वी टेक एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, ड्रॉ ए बी इक्वल टू पैरेलल टू वी वन, ए सी इक्वल टू वी टू, ड्रॉ वैक्टर बी सी क्लोज टू द ट्राइंगल एज शोन इन फिगर। तो वही बेटा जो मैंने बताया कि ए बी प्लस बी सी, देखो इन लोगों ने क्या किया, इन वैक्टर को नाम दे दिया। तो ये वी वन है, बोलो हाँ। तो मैंने कैसे करा दिया, मैंने ए बी बी सी को ना लेकर के मैंने सीधे लिखा कि वी वन में अगर एक्स जोड़ूंगा तो वी टू आना चाहिए, तो एक्स इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। क्लियर? तो एक्स का नाम यहाँ इन लोगों ने क्या दे दिया है, बी सी। बी सी देख लो बेटा, तो बी सी इक्वल टू वी टू माइनस वी वन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। क्लियर है? श्योर? श्योर? हाँ हाँ सर। हाँ बेटा अब फोकस करो बेटा, दो तीन मिनट के लिए बहुत कठिन चीज़ें आ रही हैं, यस सर। यहाँ पर फोकस करना आपका बहुत ज़रूरी है। चलिए डेल्टा वी तक तो मैंने आपको बता दिया था कि ये आ गया है, ठीक है ना। अब श्योर आपको दो ट्रायंगल फोकस करने हैं बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से। देखिए श्योर, श्योर आप ये कह सकते हैं कि ये जो डायग्राम है इसी को मैंने एडजस्टमेंट करके वेक्टर फॉर्म में यही बनाया है, ये सुनो। हाँ सर। मतलब ये बात पता है कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, है ना, दोनों एक ही चीज़ हैं। हाँ तो देखिए क्या कह सकता हूँ मैं, अब यदि आप देखें ये वी वन वैक्टर है, ये वी वन वैक्टर है, ये वी टू वैक्टर है, ये वी टू वैक्टर है, ठीक है बेटा? हाँ सर। हाँ अब कहोगे सर ये एंगल अगर डेल्टा थीटा है तो ये एंगल भी डेल्टा थीटा कैसे होगा, ये सवाल होगा, है कि नहीं है? हाँ सर। चलिए समझिए श्योर, देखो बहुत अच्छे समझना, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको श्योर। यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं, एक पहली रेडियस और दूसरी रेडियस, बोलो यस और नो? हाँ सर। तो पहली रेडियस और दूसरी रेडियस के बीच का एंगल डेल्टा थीटा है कि नहीं है? और ये जो है ये वेक्टर पहले वेक्टर का नॉर्मल है और ये वेक्टर दूसरे वेक्टर का नॉर्मल है, बोलो है ना? यस सर। मतलब ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच का एंगल भी जो होगा वो बताओ डेल्टा थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। वो भी नॉर्मल। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। हाँ तो इनके नॉर्मल के बीच का एंगल भी वही होता है कि नहीं होता, बताओ? होता है। और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो एक और तरीका है मेरे पास सर, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो इनके बीच का एंगल कितने डिग्री होता है? ज़ीरो। अच्छा। होता है कि नहीं होता? हाँ हाँ। अब मैं पहले का भी नॉर्मल ले लूँ, ये देखिए पहले वेक्टर पे नॉर्मल और ये दूसरे वेक्टर पे नॉर्मल, बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। तो ये दोनों खुद आपस में कितने एंगल पे हैं, जीरो डिग्री पे हैं कि नहीं है? हाँ सर। मतलब यदि पहले दो वेक्टर के बीच का एंगल जीरो है तो जो इनके नॉर्मल आ रहे हैं उनके बीच का एंगल भी कितना होगा? जीरो। जीरो डिग्री। क्लियर हुआ क्यों नहीं हुआ? हाँ सर। तो मेरे कहने का मतलब बेटा कि अगर ये रेडियस के बीच का एंगल डेल्टा थीटा है तो इनके जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल भी कितना बनेगा? डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। कि जबरदस्ती हाँ कह दिया? नहीं। सो रहे हो क्या? नहीं। हाँ क्लियर है बेटा? हाँ सर। चलिए तो अब ये दोनों ट्रायंगल जो हैं डेल्टा थीटा सेम एंगल पे हैं, क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल पी ओ क्यू और बी ए सी, दो ट्रायंगल मेरे पास हैं जिसमें मैंने दिखा दिया कि पी ओ क्यू और बी ए सी का एंगल सेम है, बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर।
अब श्योर ये देखो कि ओ पी और ओ क्यू, ये मेरे पास डायग्राम भी है, ओ पी और ओ क्यू दोनों रेडियस हैं कि नहीं है? है तो ओ पी और ओ क्यू का रेशियो कितना आएगा? 1:1 बनाएगा। वादिश। और श्योर इसका भी मैग्नीट्यूड वी है और इसका भी मैग्नीट्यूड वी है कि नहीं है? हाँ सर, तो ए सी और ए बी का रेशियो यदि देखा जाए तो वी अपॉन हाँ वी ये भी कितना आएगा, 1:1 बनाएगा कि नहीं आएगा? एट बोलो। द एंड। हाँ हाँ सर, इसका मतलब बेटा ये दोनों ट्रायंगल में देखो कौन सी कॉन्गुरेंसी लग जाएगी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। क्लियर की नॉट क्लियर? यस सर, क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ सर, क्लियर सर। क्योंकि देखो इसमें भी साइड एंगल साइड, दो साइड का रेशियो उस साइड हो गई। और एक बीच का एंगल। क्लियर? हाँ सर, और यहाँ भी दो साइड का रेशियो और एक बीच का एंगल। क्लियर की नॉट क्लियर? यस सर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ट्रायंगल पी ओ क्यू इज कॉन्गुरेंट विद, या सिमिलर विद ट्रायंगल। देखो यहाँ ट्रायंगल्स। पे, यहाँ पे वी वन गया है पी से, और यहाँ पे वी वन कहाँ से गया है, बी से, बी से, बी यस ए सी। बोले यस कि नो? हाँ सर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रायंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर विद द ट्रायंगल बी ए सी, ए सी, है ना? तो ट्रायंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर विद द ट्रायंगल बी ए सी। बी ए सी, समझ हाँ में आ सर, गया? कहाँ से आ यस गया सर, बेटा, बाई एस ए एस, हाँ सर, साइड एंगल साइड कॉन्गुरेंसी क्राइटेरिया से, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आ गया। बोलो क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ सर, अब आपको पता है कि आप रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल सर होता पी है। वो, हाँ तो सर, देखो बेटा यहाँ की एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू और ओ हाँ पी, सर, उसकी यहाँ पीस, की बी हाँ सी सर, और ए बी। क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ सर, हाँ तो सर, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, देखिए बेटा डेल्टा एस होगी। देखिए डायग्राम में पी क्यू हाँ इक्वल हाँ टू सर, हाँ डेल्टा हाँ एस डेल्टा है सर, डेल्टा है सर, है। हाँ सर, देखिए पी क्यू, बिल्कुल सही बात है, चेंज इन यस सर, डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा एस दिख गया, हाँ सर, पी क्यू इक्वल टू डेल्टा एस। ओके। हाँ सर, अब पी क्यू के नीचे कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, ए बी, पी क्यू अपॉन ओ यस, पी, पी क्यू अपॉन ओ पी, ओपी, ओ पी तो रेडियस थी बेटा, याद होगा आपको, हाँ सर, आर हो गया, ओ पी ये ओ क्यू, तो ओ पी रेडियस थी बेटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आर। क्लियर? आर, हाँ सर, उधर वाले ट्रायंगल में पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कौन बना है, बी सी, जो कि डेल्टा वी यस सर, था कि नहीं था, हाँ सर, और ए बी क्या है, वी के इक्वल है मैग्नीट्यूड, यस कि नो? यस देख लिया आपने, समझ में आया कि नहीं आया, यस, ये देख हाँ सर, लीजिए हाँ सर, बी सी डेल्टा वी है और ए भी वी है। ओके बेटा, अच्छा सर, हाँ सर, सिमिलरिटी अच्छे समझ में आ गई ना? हाँ सर, हाँ सर, ओके अब देखिए बेटा ये हो चुका है, तो डेल्टा एस अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी, सो डेल्टा वी इक्वल टू वी अपॉन आर इन टू डेल्टा एस। डन बेटा? हाँ सर, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी, अगर दोनों वी को बाई टी डेल्टा इज टी इक्वल से टू डिवाइड कर ए, देंगे तो हमको क्या मिलेगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इक्वल टू वी अपॉन आर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। क्लियर? हाँ सर, कोई दिक्कत? नो सर, हाँ, ये दोनों को हमने क्या कर दिया, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। डेल्टा टी से डिवाइड क्यों कर डेल्टा दिया, टी से डिवाइड कर दिया, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या आ जाए अपन के पास, एक्सेलरेशन। हाँ सर, सही है श्योर? हाँ सर, यहाँ से समझ में आया कि नहीं आया, इधर वाली लाइन समझ में आई कि नहीं आई, हाँ सर, आ गया, ये जहाँ मैंने एरो लगाया है, समझ में आ हाँ गया? हाँ सर, हाँ, देखिए पी क्यू अपॉन ओ पी, पी क्यू कितना था डेल्टा एस, ओ पी कितना था आर, इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी। क्लियर? हाँ सर, तो यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू निकालूंगा, तो डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा, वी ऊपर जाएगा, वी अपॉन आर डेल्टा एस। क्लियर? यस, ये आ चुका है। अब डेल्टा टी का दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ भी डेल्टा टी हो हाँ जाएगा सर, तो फिर और यहाँ भी वो डेल्टा टी ये हो हो जाएगा। गया, हाँ सर, क्लियर? हाँ सर, हाँ, अब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अब लिमिट यदि डेल्टा टी टेंस टू जीरो लगा देंगे, इसको पलट करके लिखिए, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू वी बाई आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है डेल्टा टी, श्योर? हाँ सर, अब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, सर वो ए हो जाएगा ना, बिल्कुल सर, वेरी गुड, ए इज इक्वल लिमिट टू डेल्टा वी टी आर टू टेंस टू डी एस जीरो, बाई डी ये टी हो बेटा ए जाएगा, होता है कि नहीं होता, हाँ सर,
सो ये एक्सेलेशन हो जाएगा, और वी अपॉन आर कॉन्स्टेंट है बेटा, और बेटा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को क्या हम वी बोलते हैं, मतलब मोर ओवर इसको हम डी एस अपॉन डी टी पहले बोलेंगे, क्योंकि ये आपका बन जाएगा डी एस बाई डी टी, क्लियर। और ये ए बनने के पहले आपका बनेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी, क्योंकि जब भी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो होता है तो वो डी वी बाई डी टी में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू वी अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई वी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, कोई दिक्कत बना लीजिए, तो ये हो जाएगा आंसर वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है बेटा। अब v इक्वल टू कितना होता है, r ओमेगा, r ओमेगा, तो v की जगह r ओमेगा रख देंगे, तो v स्क्वायर अपॉन r, तो चलिए v स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, एक r से एक r कैंसिल, क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर r, क्लियर। तो ये हुआ बेटा डेरिवेशन आपका पूरा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए डायग्राम बनाइए पहले वाला, इसके बाद फिर उसकी कैलकुलेशन नोट करिए। डन श्योर, समझ में आया कि नहीं आया। ओके चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमने बहुत ब्यूटीफुली कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्लेन हाउ इट एक्ट्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, एक्सप्लेन करिए कि ये सर्कुलर पाथ की रेडियस के अलोंग कैसे एक्ट कर रहा है। हाँ श्योर, पढ़िए डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन, पढ़ो बेटा। As delta t tends to zero, the acceleration delta theta also approaches zero. In this limit, as AV is equal to AC, so angle ABC is equal to angle ACB equal to 90 degrees. Thus, the change in velocity delta vector v, and hence the acceleration A is perpendicular to the velocity vector v and vector v. But vector v is direct, v1 is directed along tangent at point B. So acceleration A acts along the radius towards the center of the circle. Such an acceleration is called centripetal acceleration. जी हाँ, तो ये जो acceleration होता है ये centripetal acceleration कहलाता है। कैसे कहलाता है देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अगर डेल्टा टी टेंड्स करेगा जीरो को, मतलब बेटा ये जो बीच का गैप है यहाँ से यहाँ जो बीच का गैप आपको दिख रहा है, अगर ये जीरो को टेंड करेगा, बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ सर क्लियर। अगर ये बेटा जीरो को टेंड करेगा, बहुत ही पास में आ जाएगा जीरो के, तो अगर ये बहुत ज़्यादा पास में आ जाएगा जीरो के तो क्या होगा। हाँ, दस द चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी इन दिस सिचुएशन ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, सो एंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी ए सी के इक्वल हो जाएगा जब, डायग्राम से जब ए बी इक्वल टू ए सी, तो इन दैट केस आपका ये बीच वाला जो एंगल बनेगा, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्लियर। तो इसलिए चेंज ऑफ वेलोसिटी वी जो होगी ए के परपेंडिकुलर, अब देखिए ये इस चीज़ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो आपको कराया था डेल्टा वी की डायरेक्शन उस समय, तो आपको बताया था मैंने कि सिंस डेल्टा वी इज़ वर्किंग टुवर्ड्स ओरिजिन एंड एक्सलेशन जो होता है वो डेल्टा वी की डायरेक्शन से पता चलता है, क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ सर। इसलिए अगर डेल्टा वी अंदर की तरफ लग रहा है वर्किंग इनवर्ड, तो एक्सलेशन भी कहाँ लगेगा, सेंटर की तरफ ही लगेगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब सेंटर की तरफ, क्लियर। यस सर। हाँ सर। हाँ, तो ये लाइन आपको लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इस लाइन को आपको नहीं लिखना, ठीक है। ओके सर। जो मैंने आपको सिचुएशन बताई वो आप लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलास्टिक कोलिजन का केस बन गया बेटा आपसे,
डिफाइन इलास्टिक कोलिजन एंड वंडेशन कर लिया? वेट से इलास्टिक कोलिजन नहीं आ रहा शायद, पहला पार्ट नहीं कर पाए? नहीं सर, इलास्टिक कोलिजन डिफाइन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज आफ्टर सच कोलिजन इन टर्म्स ऑफ देयर मास एंड इनिशियल वेलोसिटीज। देखिए ये इसमें मैंने आपको बताया था एक एम वन मास का ऑब्जेक्ट है दैट इज रनिंग विद वेलोसिटी यू वन एंड एम टू दैट इज रनिंग विद वेलोसिटी यू टू, क्लियर? तो कोलिजन, बट कोलिजन बेटा वर्क पावर एनर्जी में है, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं नहीं आ रहा। ओके नहीं आ रहा है तो फिर चलिए छोड़िए। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? तो थ्योरी है जो फोर्स जिसके जिस फोर्स के अंतर्गत जिसके अंदर द फोर्स है ना इन इफेक्ट ऑफ दैट द वर्क डन डजंट डिपेंड ऑन पाथ रेदर द वर्क डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, समझ गए? तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स, जिसके अंतर्गत किया गया काम इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। सो स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर? भाई स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि बेटा स्प्रिंग फोर्स में किया गया काम W इज इक्वल टू आता है हाफ की एक्स स्क्वायर, की एक्स स्क्वायर एंड एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, रास्ते से कोई मतलब नहीं है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो कैसे निकलता है बेटा टोटल एनर्जी का डेरिवेशन स्प्रिंग में? फार्मूला क्या होता है? U इज इक्वल्स टू वर्क डन दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। तो एफ की वैल्यू कितनी आती है? के एक्स और डी एक्स। तो इस तरीके से करेंगे, ड्रॉ द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ स्प्रिंग। तीन चार क्वेश्चन एक साथ दे दिए गए हैं, आइए इनका हम सल्यूशन करते हैं। चलिए चलिए देखिए, तो इसमें जो पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहला है व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? तो लिखिए कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन हमें यहां बतानी है। कंजर्वेटिव फोर्स, ओके, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? लिखिए द फोर्स, द फोर्स अंडर विच द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बट इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ। समझ में आया बेटा? मतलब ऐसा फोर्स जिसके प्रभाव में जो किया गया काम होता है वो काम कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ, किस पोजीशन पर, उस पर डिपेंड करता है, ना कि काम के रास्ते पर। मतलब काम के रास्ते से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। समझ गए? दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है भैया? सो इस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, समझ गए ना? द फोर्स अंडर विच और इन इन्फ्लुएंस ऑफ दैट द अमाउंट ऑफ वर्क ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, ओके, बट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ, मगर रास्ते पर कोई निर्भर ना करे, डिपेंड ना करे, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल लिख लें, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा लिखें स्प्रिंग फोर्स। होते बहुत से हैं बट मैंने कुछ ही आपको बता दिए हैं, एक ग्रेविटेशनल, दूसरा स्प्रिंग। क्लियर है बेटा? यस। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। गुड, तो हम इस क्वेश्चन में थे, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव? लिखिए यस, स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, ठीक है।
यस चलिए, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी स्टोर इन अ स्प्रिंग। है तो नहीं आ नहीं रहा एग्जाम में, सिलेबस में, बट फिर भी बता देता हूँ। देखिए, टोटल एनर्जी स्टोर इन ए स्प्रिंग, तो यू नो एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, होता है कि नहीं होता बेटा? यस सर। और वेरिएबल फील्ड में जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, एक्स की वैल्यू एक्स इनिशियल से लेके एक्स फाइनल। क्लियर है बेटा? यस सर। अब ये मेरे पास कोई स्प्रिंग है, शुरुआत में यहीं तक रखी हुई है, मीन्स इनिशियल पोजिशन एक्स इक्वल टू जीरो। क्लियर बेटा? यस सर। और इसको खींच करके तुमने फाइनल पोजीशन अप टू सम डिस्टेंस एक्स नॉट ले लो या कैपिटल एक्स ले लो, जो भी लेना हो ले लो, ये आपने यहाँ तक वेरी कर दिया। ठीक है बेटा? यस सर। तो आपको पता है खींचने पर आप बाहर फोर्स लगाओगे एफ, बट अंदर की ओर लगेगा स्प्रिंग फोर्स जिसके अगेंस्ट आपने इसको खींचा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। तो जब अंदर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है दैट इज ऑफ अमाउंट के एक्स, तो आपको बाहर भी कितना लगाना पड़ेगा? के एक्स, तभी खींचेगा। तो वर्क डन इक्वल टू के एक्स डी एक्स, इनिशियल पोजिशन जीरो, फाइनल पोजिशन एक्स। क्लियर बेटा? के कॉन्स्टेंट, एक्स की पावर वन है, फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन, एक्स की पावर टू अपॉन टू, लिमिट जीरो टू कैपिटल एक्स। क्लियर बेटा? के बाय टू कॉन्स्टेंट बाहर, केवल बचेगा अंडर एक्स स्क्वायर, जीरो से लेके एक्स का स्क्वायर, सॉरी जीरो से लेके एक्स, के बाई टू कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस जीरो। हाँ आंसर आ गया बेटा, के बाई टू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। नोट कर लो बेटा, एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। कुछ समझ में आया कि सब कुछ उड़ गया? नहीं सर, आता है मुझे। ठीक, चलिए। तो दोस्तों, अगला सवाल जो हमारे पेपर में है बैंकिंग ऑफ रोड का क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय बैंकिंग ऑफ रोड, व्हाई इट इज़ नेसेसरी। तो भाई साहब, दो क्वेश्चन यहाँ पे, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, पहली चीज़ बैंकिंग ऑफ रोड क्या होती है, दूसरा ये क्यों ज़रूरी है। और फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल ऑफ मास एम ऑन अ बैंक्ड रोड ऑफ बैंकिंग एंगल थीटा इफ कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द व्हील्स ऑफ व्हीकल विद द रोड इज म्यू। मतलब फ्रिक्शन को हमको अकाउंट में लेना है। क्लियर? यस। चलिए देखिए बच्चों, तो दोनों पार्ट है क्वेश्चन के, पार्ट ए है पार्ट बी है, दोनों हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ बैंकिंग। आपको पता है बेटा कि जब भी कोई गाड़ी ढलान वाले पाथ में चलती है या बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती है हाईवे में, तो हाईवे कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, अंदर हाईवे जो है थोड़ा दबा हुआ होता है और बाहर की ओर उठा हुआ होता है। बोले आता है कि नहीं आता है? हाँ। ये इसलिए किया जाता है बेटा क्योंकि तेज़ी से मोड़ने के चक्कर में गाड़ी अंदर की ओर पलट ना जाए। समझ में आ गया? यस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। अगर यही फ्लैट हाईवे बना देंगे बेटा, अगर ये हाईवे फ्लैट रहेगा और गाड़ी ऐसे मोड़ेगी सीधे हाईवे में, तो होगा क्या बेटा कि इसका जो बेटा नॉर्मल रिएक्शन रहेगा गाड़ी का, वो बिल्कुल ऊपर लगेगा क्योंकि चके यूं हैं। बोलो यस कि नो? हाँ सर। सर एक चीज़ सुनो, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा बेटा चक्कों का? ऊपर लगेगा, ऊपर, अगर अगर रोड फ्लैट हुई तो। समझ गए? हाँ सर। और नॉर्मल रिएक्शन है तो भैया अब गाड़ी को अंदर की तरफ मुड़ना है तो इसे चाहिए है सेंट्रिपेटल फोर्स, तो पूरी की पूरी जवाबदारी किसको लेनी पड़ेगी? चक्कों के फ्रिक्शन को, चक्कों के फ्रिक्शन, चक्कों के फ्रिक्शन को। इसमें चक्के घुर जाएंगे, चक्के चिकने हो जाएंगे एकदम, यस और नो? हाँ सर। और जब बहुत चिकने हो जाएंगे तो एक दिन गाड़ी पलट जाएगी जब फ्रिक्शन नहीं मिलेगा तो। क्लियर? यस। हाँ सर। बट बेटा इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, रोड को आप बैंक बना दोगे तो ये जो नॉर्मल पहले सीधा जा रहा था बेटा, अब सीधा ना जा करके हल्का सा थीटा एंगल पे जाएगा वर्टिकल से। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अच्छा सर। मतलब ये जो आर है जिसे एन भी कहते हो या आर कहते हो, वट एवर, समझ गए?
आर जो पहले एम जी से बैलेंस हो रहा था, अब वो आर के दो कंपोनेंट टूट जाएंगे। एक आर का कंपोनेंट जो है ऊपर की तरफ टूटेगा, सामने की तरफ टूटेगा, यहाँ बेटा, और ये बन जाएगा आर कॉस थीटा। क्लियर बेटा? हाँ सर। और दूसरा कंपोनेंट बेटा यहाँ टूट जाएगा, देखो अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, और ये बन जाएगा आर साइन थीटा। क्लियर बेटा? अब दो लोग हो गए फ्रिक्शन देने के लिए, एक ये यहाँ अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, जिसको हम कहेंगे एफ आर। यस और नो? अच्छा, इसमें अंदर की तरह लगता है। और सर जो ये एंगल ऑफ रिपोज होता है वो दूसरे साइड पे लगता है अरे वो उसका? रिपोज रिपोज कहाँ यार, वो तो वेज प्लेन के लिए है। वो इंक्लाइन नहीं होता? वो भी तो इंक्लाइन अरे प्लेन। वो ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पे भी लगेगा, ये देखो अच्छा उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा, बस इतना ही लगेगा। थीटा। ठीक है, अच्छा सर। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। सर इधर पे यहाँ पे क्यों लगता है F? ये फ्रिक्शन वाला हाँ हाँ बेटा हमेशा सरफेस पे लगता है ना, उसके अपोजिट में नहीं लगता ना? बेटा सेंटर गाड़ी के चके खिंचाव बाहर की तरफ आएंगे तो हाँ सर। फ्रिक्शन तो अंदर की लगे लगेगा ना। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर। यस सर। तो फ्रिक्शन अंदर की ओर लगेगा, तभी हाँ तो सर। प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपेटल फोर्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? बन जाएगा। यस सर। तो बेटा अब यदि यहाँ पे एफ आर है तो देखो, यदि छोटा सा एंगल देखना, हल्का सा दिखेगा, सर एफ आर है मतलब ये क्या फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन है? फोर्स। हाँ काइनेटिक हाँ लगेगा ना बेटा, गाड़ी चल रही है। अच्छा ठीक सर। ओके, काइनेटिक। तो अगर हाँ काइनेटिक लगेगा ना, गाड़ी अच्छा चल रही अच्छा कि रुकी ठीक। हुई है बताइए, हाँ चल रही चल चल रही। रही ना। तो बेटा ये देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं हुआ? ऑल्टरनेट। क्लियर कि नॉट हाँ क्लियर? सर। ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव। हाँ सर। और एक कंपोनेंट इसका ये टूटेगा। क्लियर कि हाँ नॉट सर। क्लियर? हाँ सर। हाँ, तो ये जो कंपोनेंट टूट जाएगा क्या है, थीटा की डायरेक्शन में, तो ये बनेगा वो वाला एफ ऊपर आर वाला कॉस थीटा। एफ आर कॉस थीटा। समझ में आ गया? हाँ सर। और ये क्या बन जाएगा, एफ आर साइन थीटा। एफ आर साइन थीटा। चलिए, ये तो फ्रिक्शन की बात कर दी, बोलो क्लियर हुआ? हाँ सर। अगर आप फ्रिक्शन को अकाउंट में लेंगे तो ये सब चलेगा। ओके, ये देख लीजिए, ये मैंने फ्रिक्शन की बात करी है, दिखाते हैं दिखाते हैं। ओहो हो, इतना बड़ा। ठीक है बेटा, हाँ देखा ये सर। देखो बाबू, ये लग रहा है हमारा फ्रिक्शन। ठीक है, यस सर। ये एंगल थीटा है। क्लियर बेटा? हाँ सर। हाँ, ये गाड़ी चल रही है, ये फ्रिक्शन है बेटा। अब इस फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट टूटेंगे, अगर बेटा ये थीटा है तो ये क्या टूटेगा, थीटा टूटेगा नहीं टूटेगा? हाँ सर। तो हाँ ये सर। फ्रिक्शन एफ लिया है तो ये क्या बनेगा बेटा, एफ कॉस थीटा। एफ कॉस्ट और नीचे क्या बनेगा बेटा, एफ साइन थीटा। सॉरी इतना बोलने में एफ। टाइम लगेगा, नहीं, कुछ और एफ देखना साइन पड़ेगा। थीटा। समझ में आ गया? हाँ सर। ये देखो, इसको हमने यहाँ पर बना रखा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। चलिए, अब बाकी वर्किंग तो मैंने समझा दी, ये देखिए भाई साहब, क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर। हाँ, रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, सरफेस के बिल्कुल रिएक्शन फॉर सरफेस इस के तरीके, बिल्कुल उसमें लाइक उसके दरम्यान नॉर्मल लाइक। नॉर्मल। क्लियर कि नॉट क्लियर? अच्छा क्या किस पे लगेगा? अरे सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं लगेगा, नॉर्मल अभी क्या पूछ रिएक्शन रहे हैं? आर। नॉर्मल रिएक्शन। हाँ सॉरी हाँ, मैं तो फिर आर बिल्कुल आप अगर रिएक्शन बोल रहे अगर हैं। अगर अगर ये वेज का एंगल, ये थीटा होता है एंगल ऑफ रिपोज, तो ये एंगल भी कितना होता है, थीटा, ठीक पढ़े हो ना, यहाँ पे भी बन जाए। हाँ। ये एंगल भी थीटा होता है, ये भी थीटा होता है, वर्टिकल अपोजिट। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये नीचे से टूटता जाके है उसको आर भी कॉस देखते हैं। थीटा, और इधर क्या टूटेगा, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा सारा डायग्राम समझ में आ गया? पूरा। तो पहले ये डायग्राम बना लो बेटा, मतलब अब पहले ये दोनों डायग्राम बना लो अच्छे से, है ना। ये मैं यहाँ आपने बहुत से नीचे बना दिया ना इसलिए समझ नहीं आ रहा था। क्या बेटा, नहीं सर मतलब वो आपने फ्रिक्शन वाला थोड़ा नीचे बना दिया। मैंने ऐसे थोड़ा लाइक ऐसा देखा था कि वो थोड़ा बीच में था। समझ गया लेकिन। समझ गया क्या हो रहा है। ये मैंने इसको अलग से दिखा रखा ना, अभी क्या है, चके के पास जगह कम है ना, समझ गया। इसलिए हाँ हाँ उसने सर। समझ गंदा गया। नहीं किया। हाँ सर। हाँ सर। समझ ये मैं गया। मिटा देता हूँ, ये लो, ठीक है, नहीं सर। हाँ सर समझ आ ये गया। बना हुआ है देखो, इसका ये सब देख बना लिया हुआ सर। है।
यस सर। ठीक है बेटा, हाँ सर। ठीक है, तो अब देखो शौर बाबू क्या क्या हो रहा है। अगर एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, पहले तुम बना लो फिर मैं बात करता हूँ। सर ऐसी गाड़ी नहीं बना रहा मैं, नॉर्मल बना रहा। हाँ यार, गाड़ी तो कैसे ही बना लो। पूरी कला करेगी 2 व्हीलर ना बनाना बस। क्यों सर? सर सिर्फ 4 व्हीलर में लगता है बैंकिंग करूंगा और क्या, 2 व्हीलर तो खुद को झुका लेती है ना, थोड़ी एक्शन मिल जाता है। हाँ वो लीन लीन, हाँ हाँ वो सर्कुलर वाला है। ये बाइसाइकिल और साइकिल, आई मीन सॉरी सर, बाइसाइकिल और जो मोटरसाइकिल होता है सब में दोनों में सेम चीज लगती है। क्या सवाल पूछ रहे हो यार तुम, सेम बात क्या सवाल पूछ रहे हो, सर, फिर भी सर सवाल है। गर्ल्स वाला सवाल है। हाँ अच्छा तब नहीं पूछ रहा सर। अबे 2 चक्के हैं उसमें यार, वो लीन कर लेगा अपने आप को, झुका लेगा। अब हाँ चाहे सर। साइकिल हो चाहे मोटरसाइकिल हो, ठीक है। टुक टुक हाँ, टुक 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 3 चक्के वाली है, उसको करना पड़ेगा। ये फास्ट मतलब कि हाईवे पे चलेगा तो उसमें ये लगेगा फिर। और शो इसमें भी लगेगा। हाँ डन। नहीं नहीं चल इतना रुको ना। अब सारे फोर्सेस ऊपर वाले और सारे यस नीचे वाले फोर्सेस एक साथ अपन देखेंगे, हैं। साइन थीटा एमजी। चलिए देखिए अब क्या होने वाला है। अब सारे फोर्सेस ऊपर वाले देखो, ऊपर क्या क्या लग रहा है बेटा, आर कॉस थीटा लग रहा कि नहीं लग रहा, तो आर कॉस थीटा लग रहा है। और नीचे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक एफ साइन थीटा लग रहा है और एक एम जी लग रहा है। हाँ है ना, आर कॉस थीटा तो और आर एस। कॉस थीटा जो होगा एफ साइन थीटा और प्लस एम जी से बैलेंस होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ सर मैं एक जगह कन्फर्म अच्छा, इधर 2 फोर्सेस लग रहे हैं इस तरफ, एक लग रहा है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा और एक लग रहा है एफ एफ वेरी गुड, कॉस थीटा। और एक लग रहा है एफ एफ कॉस कॉस थीटा थीटा, समझ गए ना। और हाँ ये सर। दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रिपिटल फोर्स सेंट्रीपेटल एम वी फोर्स स्क्वायर यानी कि बाई एम आर, एम वी स्क्वायर बाय करेंगे कि नहीं करेंगे। बस माइनस यही थ्योरी लिखी हुई है अब यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सर सारा एम वी कुछ स्क्वायर बता बाय दिया आर मैंने, माइनस इसको आप एम। पढ़ लीजिएगा। अब देखो बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो, देखो हॉरिजॉन्टल साइड में 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है आर साइन थीटा और एक लग रहा है एफ कॉस थीटा, देखा आपने कि नहीं देखा। सर एम वी स्क्वायर माइनस में नहीं होगा? 2 मिनट यार अच्छा ठीक 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 सुन तो लो भाई मेरी बात समझ नहीं पहले, आ रहा था वो तो। आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल लग रहे कि नहीं लग रहे हैं, पक्की बात। हाँ अब अगर ये हॉरिजॉन्टल लग रहे हैं दोनों मिल करके, क्या सेंट्रिपिटल फोर्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे घूमने के लिए, अच्छा वो बनाएंगे। अच्छा ठीक भाई है और कहाँ से लाएंगे, कोई तो पैदा करेगा ना। तो हाँ। आर सो साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा विल कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रिपिटल फोर्स, यस और नो। हाँ सर हाँ सर ठीक है बेटा, यस। ओके नंबर वन। नाउ दूसरा, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी, और एमजी नीचे हाँ की तरफ सर। क्या लग रहा है एफ साइन थीटा, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा तो दोनों बैलेंस करेंगे कि नहीं करेंगे ये देखो। नहीं आया समझ में, नहीं सर नहीं, मैं समझ रहा था, अभी आया आपको समझ समझ गया। में, हाँ हाँ बैलेंस करेगा। ठीक है। हाँ सर। ओके तो अब यहाँ से आर कॉस थीटा के तरफ मैं एफ साइन थीटा को बुला लूँगा तो एम जी हो जाएगा। हाँ हाँ कॉपी में पहले ये रिलेशन लिखिए नंबर वन, इसको बनाइए नंबर वन, आर साइन थीटा हाँ ये वाला और हो एम जी गया, को राइट फिर साइड बना दूसरे के के नंबर लिए 2 बनाइए। समझ गया सर। मतलब हम एक चीज़ को कॉमन लेना चाह रहे हैं ऐसा? एम से एम को काटना चाह रहे हैं, हाँ 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 बना ली कॉपी, बनाइए कॉपी, बनाइए जल्दी से। अच्छा ठीक। सर नहीं मेरे को बताओ कैसे लिखा है था? मेरे को ऐसे लिखा है माइनस फिर ये वही बात, नहीं आप समझ गया ये क्या लिखा है। ये माइनस वही एन साइन है, थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स, सो वो माई प्लस में हो गया वैसे तो मेरे को थोड़ा माइनस कंफ्यूजन है ना। सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल टू 0 कर दोगे आप, बोलो हाँ या ना, हाँ हाँ क्योंकि नेट फोर्स कोई लग नहीं रहा है तो 0 हो जाएगा, यस सर यस। तो फिर वो जाकर वही हो जाएगा।
क्लियर? तो बेस्ट तो मेरा तरीका हुआ ना कि ये मिल करके क्या कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, सेंट्रिपेटल फोर्स, ठीक है? सो आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी, रिलेशन नंबर टू, पक्की बात? अब वन में टू को डिवाइड कर दो, चलो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर, कॉपी वन में टू को डिवाइड हाँ करिए, कर रहा कर रहा कर वन से रहा वन कैंसिल, कर रहा सर, मैं खुद कर रहा हूँ, टाइम बन जाएगा ना फिर तो। कहाँ अभी 10 बाद में बनेगा, पहले डिवाइड करो। अभी आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा आएगा, हाँ सर फिर, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, क्लियर? यस सर यस सर, अब देखो बेटा, हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू कितना होता है, म्यू इंटू आर म्यू होता आर। है। तो इसकी एंट्री के लिए आप क्या करोगे बेटा, पूरे में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, अच्छा ठीक है, आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है? अच्छा सर ठीक है ठीक देखो मैं करता हूँ आपके हेल्प के लिए, ये एक्सप्रेशन बना हुआ है, बोलिए सुनो। हाँ सर, तो ऊपर क्या बैठा हुआ है आप लिख सकते हैं मेरे साथ में, आर कॉस थीटा अपॉन एफ कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई यहाँ भी आर कॉस थीटा, यस सर, और नीचे आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा, ठीक है बेटा? यस सर, अब आर कॉस थीटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा आर कॉस थीटा प्लस एफ कॉस प्लस थीटा कॉस थीटा माइनस अपॉन आर आर कॉस कॉस थीटा थीटा, अपॉन आर कॉस थीटा, इधर पे आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस आर थीटा कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर कॉस ठीक थीटा, है? हाँ सर, आर से आर कैंसिल, हाँ सर कॉस वो साइन टेन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, टेन टेन, हाँ सर तो पहला बनेगा 10 टेन थीटा थीटा, माइनस कॉस से कॉस कैंसिल। हाँ सर, बेटा एफ इक्वल टू म्यू आर होता है कि नहीं होता, हाँ 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 तो एफ अपॉन आर इक्वल टू म्यू होगा कि नहीं होगा, हाँ हाँ तो 10 थीटा प्लस म्यू हाँ बनेगा, सर म्यू, हाँ, आर कॉस थीटा से आर कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ पे वन, एक ये माइनस एफ में एफ टेन और अपॉन आर म्यू बन जाएगा टेन थीटा, हाँ सर, माइनस म्यू और 10 थीटा आ गया बेटा। हाँ सर, तो ये आ गया अपने पास, कितना आ गया है, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये देखिए था कि नहीं था, हाँ सर, सो दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, इतना नोट करिए, ये देखिए यही सॉल्व किया हुआ इसमें है ना, हाँ सर, ये देखिए एफ बाई आर वन माइनस म्यू टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, क्लियर बेटा? हाँ सर, बनाइए इसको अच्छे से, एक सेकेंड सर, इसको परमिसिबल स्पीड कहते हैं, क्या इसको क्या परमिसिबल स्पीड कहते हैं, परमिसिबल, अब, हाँ परमिसिबल स्पीड लिखिए इसको पहले, हाँ सर, हाँ सर, देखिए तो क्या किया यहाँ से अपने, वी स्क्वायर को ले लिया, आर जी इधर चला गया, हाँ म्यू सर, प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, तो वी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरीके से आ जाएगा, यही फाइनल डेरिवेशन है। ठीक सर, इन केस अगर कह दिया जाए कि सरफेस या रूट फ्रिक्शन लेस है, तो म्यू की वैल्यू जीरो डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस टेन थीटा और वन माइनस जीरो, क्योंकि म्यू जीरो पुट कर देंगे, तो आंसर क्या बन जाएगा, वी इक्वल टू अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा, तो म्यू तो जीरो हो चुका है, हाँ सर, तो इधर पे टेन थीटा आ टेन जाएगा टेन थीटा प्लस और नीचे वन वन माइनस जीरो, तो वन ही हो वन जाएगा, वन हो जाएगा, मतलब अंडर रूट आर जी टेन थीटा, क्लियर? हाँ सर, तो वी इक्वल टू सर, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, क्लियर? हाँ सर, अब एंगल ऑफ बैंकिंग यहाँ पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वी इक्वल टू आ चुका है अंडर रूट आर जी टेन थीटा, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो वी स्क्वायर रूट आर जी बाहर आ जाएगा, हाँ आर जी, जी टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू वी वी स्क्वायर स्क्वायर बाय अपॉन आर जे, आर जी, और थीटा निकालना हो तो आप टेन इनवर्स कर सकते हैं, तो फ्रिक्शन जब ना हो तब के केस में ये एंगल ऑफ बैंकिंग है, ठीक है? हाँ सर, क्या लेगा, फ्रिक्शन ना हो फॉर मिनिमम वियर एंड टीयर, समझ गए ना, यस मतलब फ्रिक्शन जब नहीं होगा रोड में तो आप पूरा का पूरा जिम्मा किस पे लेंगे, एंगल ऑफ बैंकिंग पे, एंगल ऑफ बैंकिंग पे, हाँ, तो फिर इतना होएगा अगर आपका एंगल ऑफ बैंकिंग,
तो आपके टायर नहीं घिसेंगे, अदरवाइज आपके टायर बहुत खराब होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। ये इसका स्पेशल केस है, ये भी पूछा जाता है। देखिए बच्चों, यही जो हमारा वी निकला था इसी को हम वी मैक्स बोलते हैं, मतलब बाकी ये सबसे तेज वेलोसिटी होती है। तो वी मैक्स जो हमारा आया कितना आया, आर जी अंडर रूट, ऐसा आया था ना बेटा, रूट के अंदर आर जी आया था क्या? हाँ रूट के अंदर ही था आर जी। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, गलत लिखा मैंने। क्या निकला भाई? आर जी, ठीक, म्यू प्लस टेन थीटा, यही है ना बेटा, अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। न्यू टेन थीटा देखिए बेटा, श्योर क्या है, वेलोसिटी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम होनी चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए इसको ऑप्टिमम स्पीड बोलते हैं। या हम लगा सकते हैं कि वी इज़ लेस देन और इक्वल टू, क्या लगा सकते हैं, लेस देन लेस देन और इक्वल टू और इक्वल टू, मतलब इससे कम होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ज्यादा है नहीं। ना। तो आर जी, आर यानी रेडियस है, म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। नोट कर लें बेटा इसको, क्लियर, एकदम डन सब कुछ, कोई दिक्कत तो नाइस। नहीं है? देखिए इसमें स्पेशल केस भी बनाया है कि अगर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो, मतलब फ्रिक्शन लेस के लिए, तो कितना आ जाएगा, वी इक्वल टू आर जी टेन थीटा, ठीक है, की होल पावर वन बाई टू। म्यू की वैल्यू जीरो कर दिया है, स्पेशल केस भी इसने बना रखा है कि फ्रिक्शन लेस के लिए म्यू की वैल्यू जीरो, तो वी इज़ लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। क्लियर है, यस सर। कुछ दिक्कत तो नहीं इसमें?